एक छोटी सी बात आपको बताऊं, आपने अपने दिमाग को खुद ही हिप्नोटाइज किया हुआ है। आपने अपने दिमाग को खुद ही हिप्नोटाइज किया हुआ है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस या मानसिक तनाव के शिकार हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करती हैं, जिसकी वजह से आप ओवरथिंकिंग के शिकार हैं। जी हाँ, आपने अपने दिमाग को खुद ही हिप्नोटाइज किया हुआ है, सेल्फ हिप्नोटिज्म। अब आप कहेंगे, सर ये कैसी बात कर रहे हैं, मुझे तो हिप्नोटिज्म का एच भी नहीं पता, मैं तो कुछ जानता ही नहीं कि हिप्नोटाइज कैसे करते हैं। आपने शायद देखा होगा लोग हिप्नोटाइज करते हैं, कोई पेंडुलम दिखाता है, कोई आई कॉन्टैक्ट करके, या आप इस बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन आपने अपने माइंड को खुद ही हिप्नोटाइज कर लिया जाने अनजाने। मैं बताऊंगा कैसे। अगर ये बात आप समझ जाते हैं तो आप एक तनाव मुक्त जीवन जी पाएंगे। कोई भी आपको तनाव मुक्त जीवन जीने से नहीं रोक सकता। आप जानते हैं कि हमारे दिमाग तक सूचनाएं कैसे पहुंचती हैं, कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक सूचनाएं पहुंचती हैं। बात को जरा ध्यान से समझिएगा। आप जो भी शब्द बार बार बोलते हैं, जिस शब्द का, जिस वोकैबुलरी का इस्तेमाल बार बार करते हैं, बार बार लगातार करते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में आ जाता है। आप जो चीज बार बार देखते हैं, जो चीज आप बार बार देखते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में आ जाती है। आप जो भी बात, जो भी चीज बार बार सुनते हैं, एक बार, दो बार, दस बार, सौ बार, अगर आप किसी चीज को लगातार बार बार सुनते हैं, तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में ऑटोमेटिकली आ जाती है, आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं। तो अब देखना ये है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, या मानसिक तनाव में हैं, या नेगेटिव थॉट से परेशान हैं, आप किस तरह की सूचनाएं अपने दिमाग तक पहुंचा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नेगेटिव विचार को लगातार बार बार सोचते रहते हैं। देखिए, एक बात अच्छे से समझिए, हमारे जो शब्द होते हैं ना, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, इनमें मैग्नेटिक पावर होती है। हमारे शब्द किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकते हैं, हमारे शब्दों में सम्मोहन होता है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, अगर वो व्यक्ति ये कहना शुरू कर दे, बोलना शुरू कर दे कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं फिट नहीं हूँ, अगर कोई व्यक्ति ये कहना शुरू कर दे कि मैं पागल हूँ, तो कुछ दिनों में उसको ये यकीन होने लगेगा कि वो पागल है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सूचनाओं को लेता रहता है, और जो सूचना सबसे ज़्यादा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आती है, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा हमारे जीवन पे, हमारे शरीर पे देखने को मिलता है। तो अब कलेक्टिवली ये देखना होगा कि आप बाहर से किस तरह की सूचनाएं अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह के शब्द आप बोलते हैं, जिस तरह की बात आप खुद से करते हैं, जिस तरह के शब्द, जिस तरह की बात, जिस तरह की वोकैबुलरी आप यूज करते हैं, धीरे 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 वही वोकैबुलरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वही बात आ जाती है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप हिप्नोटाइज हो जाता है। और फिर आप कहते हैं कि सर मुझे नेगेटिव विचार क्यों आते हैं, मैं नेगेटिव क्यों सोचता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपने अपने माइंड को खुद ही हिप्नोटाइज कर लिया। आप जो भी अपने अंदर बोलते हैं, जो भी शब्द अपने अंदर बोलते हैं, उसका प्रभाव बाहर दिखाई देता है, और जो भी शब्द आप अपने मुंह से बोलते हैं, उसका भी प्रभाव दिखाई देता है। सेल्फ टॉक, आप किस तरह की सेल्फ टॉक करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। अगर आप एक तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो अपनी सेल्फ टॉक का ऑडिट कीजिए कि मैं खुद से कैसी बात करता हूं। एक बात जरा आप ध्यान से समझिए, आप जो भी कुछ अपने अंदर बोलते हैं, ऐसा मत समझिए कि उसका प्रभाव नहीं पड़ता। आप जिस तरह के इंटरनल डायलॉग्स रखते हैं, जैसी बात आप खुद से अपने मन में करते हैं, उसी से ही आपका जीवन चलता है, क्योंकि वही सूचना आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है, और हमारा माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क करना नहीं जानता।
इसको नहीं पता सही क्या है और गलत क्या है, ये उसी कमांड को फॉलो करेगा जो बात बार बार जो काम किया जाएगा। अगर आप सुबह उठते ही कहते हैं कि मेरा तनाव तो ठीक हो ही नहीं सकता, मेरा स्ट्रेस तो ख़त्म हो ही नहीं सकता, मैं तो सारी ज़िंदगी तनाव में रहूँगा, मुझे तो कोई खुश कर ही नहीं सकता, अगर इस बात को लगातार बोलते हैं तो आपके अपने ही वर्ड्स आपके दिमाग को हिप्नोटाइज कर लेते हैं, आप अपने ही वर्ड से हिप्नोटाइज हो जाते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात पे विश्वास करने लगता है कि आप कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकते, आप कभी तनाव मुक्त जीवन जी ही नहीं सकते। रीजन क्या रहा? आपने लगातार एक ही सूचना अपने दिमाग तक पहुंचाई और अब आपके दिमाग को यकीन हो गया कि यही सच है। तो जिस तरह का जीवन आप जीना चाहते हैं उस तरह की इंफॉर्मेशन, उस तरह की सूचना अपने दिमाग तक पहुंचाइए और धीरे धीरे उसका असर आपको दिखने लगेगा। आप अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सेल्फ हिप्नोटाइज यानी खुद ही हिप्नोटाइज कर सकते हैं। कैसे? जिस तरह की कमांड आप अपने माइंड को लगातार देंगे, अगर आप लगातार ये बात बोलते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ, मैं खुश हूँ, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, एक दिन, दो दिन, एक बार, दस बार, सौ बार, जब इसी तरह की कमांड लगातार आपके दिमाग को दी जाएगी, जब यही सूचना लगातार आपके दिमाग तक पहुंचाई जाएगी, धीरे धीरे आपका जो माइंड है वो इस पे यकीन करने लगेगा, आपका दिमाग ये यकीन करने लगेगा कि आप स्वस्थ हैं, आप एक तनाव मुक्त जीवन जी रहे हैं, आप खुश हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पे विश्वास करने लगेगा तो उसके लक्षण आपके शरीर पे भी दिखने लगेंगे, आपकी लाइफ में भी दिखने लगेंगे। देखिए, होता ये है कि नेगेटिव कमांड्स को हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी कैच करता है, कोई नकारात्मक बात हो तो वो बहुत जल्दी कैच करता है, लेकिन पॉजिटिव बात को लाने के लिए आपको उसकी बार 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 रिकॉर्डिंग चलानी होगी, फिर आपका सेल्फ हिप्नोटिज्म हो जाएगा, आप अपने माइंड को फिर जैसा चाहें वैसा चला सकते हैं। नेगेटिविटी को भगाना पड़ता है, पॉजिटिविटी को लाना पड़ता है, नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है। अब लोग कहते हैं कि सर आज से 5 साल पहले मेरा जीवन बिल्कुल अच्छा चल रहा था, अचानक मुझे क्या हो गया कि मैं इतना नेगेटिव हो गया, मेरे साथ क्या हो गया, ये विचार मेरे दिमाग में रुकते नहीं हैं। तो नेगेटिविटी कहीं से आ गई? अब इसका सोल्यूशन ये है कि आप सेल्फ हिप्नोटाइज अपने माइंड को कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो कमांड दीजिए जो कमांड जिस तरह का जीवन आप जीना चाहते हैं, जिस तरह की लाइफ आप देखना चाहते हैं, जिस तरह खुद को देखना चाहते हैं, उस तरह सबकॉन्शियस माइंड को खुद को दिखाइए। जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं और जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। तो अगर आप तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, नकारात्मक सोच से परेशान हैं, आज और अभी से सेल्फ हिप्नोटिज्म शुरू कीजिए। सरल तरीका है, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक हर तरीके से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सुनिए और अच्छा आहार खाइए। जब आप चारों तरफ से अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करेंगे पॉजिटिविटी से, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड हिप्नोटाइज हो जाएगा और फिर आप जैसे चाहें अपने दिमाग को चला सकते हैं। मगर आज की डेट में स्थिति यह है कि आपका दिमाग आपको चला रहा है, जैसे आपका मन कहता है, आपका दिमाग कहता है, वैसा करते हैं। लेकिन जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड कर देंगे, पॉजिटिविटी की कमांड दे दे के इसको पॉजिटिविटी से भर देंगे, जैसे आप कहेंगे आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वैसे चलने लगेगा। माई डियर फ्रेंड्स, सब कुछ आपके हाथ में, थोड़े से एफर्ट्स लगाने होंगे, थोड़ी करेज रखिए, थोड़ी हिम्मत रखिए और देखिए आप एक तनाव मुक्त जीवन जी पाएंगे। मेरा पर्पस यही है कि आप तनाव मुक्त जीवन जिए, खुश रहें, हमेशा खुद से प्यार करें, सबसे प्यार करें और जीवन को आनंद रूप से जिए। प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रभु के दिए इस जीवन का आनंद लें। इन्हीं विचारों के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। खुश रहिए। थैंक यू सो मच।